नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने एमटीजी का सीबीएसई 10 इयर्स ओल्ड पेपर चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है, चाहे वो ऑल इन वन हो, चैप्टर वाइज हो, एग्जाम आइडिया हो, लेकिन उनमें से कुछ सेलेक्टेड जो आपकी प्रिपरेशन में चार चार लगाते हैं, ऐसी बुक का होना बहुत जरूरी है। उसी सीरीज में हम एमटीजी का ये क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, इसका रिव्यू आज हम करेंगे। 2024 का एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। और आपको हम बता दें कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट है, कंपैरिजन चाहते हैं कि वो क्वेश्चन बैंक पढ़ के हम अच्छे मार्क्स अचीव कर ले, तो सिचुएशन में आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इन फ्यूचर लगभग जल्द ही हम सभी क्वेश्चन बैंक का कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे किसी बोर्ड से कनेक्टेड हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर हम अब बात कर सके कि कौन से क्वेश्चन बैंक से आपको तैयारी करनी चाहिए। फिलहाल हम एमटीजी का जो सीबीएसई चैंपियन है उसका रिव्यू लेकर आए हैं। ये इसका होलोग्राम है, इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान है। और क्या खास है इसमें, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास 12 का फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक बाय एमटीजी। बात करें इसके प्राइस टैग की, तो ₹525 इसका एमआरपी है। और ऑनलाइन आप परचेज करोगे तो लगभग आपको 50% तक की आपको छूट मिल सकती है, लेकिन नॉर्मली 350-400 तक आपको देखने को मिलता है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेज की, तो 464 नंबर ऑफ पेजेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, किस प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। सो पहले ग्लिम्पस ऑफ एमटीजी सीबीएसई चैंपियन, इसके अंदर क्या क्या चीजें खास है, वो चीजें यानी कुछ खुद ही इन्होंने इसकी तारीफ की हुई है। स्टार्टिंग के पेजेस में इसकी कुछ क्वालिटीज बताई गई है। ये अपडेटेड सिलेबस है, फिर भी कोई भी क्वेश्चन बैंक आप लो, एक बार अपने सिलेबस को आप जो सीबीएसई अकेडमिक .in की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे सीबीएसई के सिलेबस को अवश्य मैच करें। थोड़ा बहुत माइनर सा चेंजेस होता रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिजाइन किस प्रकार का होने वाला है वो बताया गया है। सब पहले बात करते हैं कंटेंट की, कौन कौन से चैप्टर्स में आपको देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स। और 5 प्रैक्टिस सेट के साथ आपको सीबीएसई सैंपल पेपर भी इसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये तो है क्या क्या कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं चैप्टर के पैटर्न की, किस प्रकार का चैप्टर का पैटर्न आपको इसमें देखने को मिलता है। जैसे यहां पर चैप्टर 1 लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, सबसे पहले जितने भी टॉपिक इसमें कवर होने वाले उन सबके नाम दिए जाएंगे। जैसे पहले चैप्टर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये स्टार लगा हुआ है, इस स्टार का मीनिंग क्या है देखिए अभी बताएंगे आपको। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गोसला एंड एप्लीकेशन ऑफ गोसला। तो यहां पर ये टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। बात करें अगर इसके बाद एक ग्राफ दिया होगा कि किस सन में, किस वर्ष में आपके कितने प्रश्न इस चैप्टर से आए हैं, वेटेज क्या है और किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। एमसीक्यू को अलग कलर से दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। इस पर आगे चले तो जो मैक्सिमम वेटेज था वो एप्लीकेशन ऑफ गोसला से था, और इस प्रकार से इसमें बताया गया कि मैक्सिमम जो मटेरियल दिया गया है पेपर में वो कहां से दिया गया है। इसके बाद क्योंकि रिकैप के नाम से एक आपको समरी मिलेगी पूरे चैप्टर का, निचोड़ मिलेगा नोट्स का, वो यहां पर देखने को मिलता है। अब इस स्टार का मतलब यहां पर दिया गया है कि ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में ये दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी में है वही पेपर में आपको देखने को मिलता है। आगे चले, इस प्रकार पूरे चैप्टर का निचोड़ है, सारे के सारे नोट्स इसके अंदर कवर किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर सारे नोट्स यहां पर कवर किए गए हैं। इसका एक ब्रेन मैप बनाया गया है पूरे चैप्टर का निचोड़, ताकि एक फ्लो चार्ट टाइप है जिसे आप शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं। इसका शुरू होते हैं प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चन। सबसे पहले पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज, उससे एमसीक्यू आया था, किस सन में आया था, 21-22 में आया था। फिर बेसिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज, टॉपिक वाइज आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और वे किस सन में पूछे गए, किस एग्जाम में पूछे गए वो भी यहां पर दिया गया, और कितने मार्क्स में पूछे गए वो भी यहां पर दिया गया है। इसके बाद सीबीएसई सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चंस है कुछ जो सैंपल पेपर में आते हैं नॉर्मली, वो यहां पर दिए गए हैं। इसके बाद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। डिटेल मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, क्या चीज आपको याद रखनी है, वो चीज इसके अंदर दी गई है। तो काफी अच्छा है इस मामले में। तो
एमटीजी का पहले जो क्वेश्चन बैंक आता है था उसकी कंपैरिजन में तो ये काफी बढ़िया है, काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं ये सारे सारे डिटेल सॉल्यूशन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप खुद का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, यहां पर सेल्फ असेसमेंट का एक सेक्शन आपको देखने को मिलता है जहां से आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद इनके सॉल्यूशन यहां से आप चेक कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा पैटर्न आपको इस चैप्टर का देखने को मिलता है। इसके बाद आप बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस के नेक्स्ट चैप्टर की, वही पैटर्न इसमें भी यूज किया गया है। सबसे पहले सारे टॉपिक्स ग्राफ के अकॉर्डिंग बताया गया है, कौन सा टॉपिक कितनी बार कितना ज्यादा पूछा गया है, क्योंकि रिकैप में आपको सारा का सारा जो रिवीजन है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट मिल जाएगा फास्ट मोड में रिवाइज करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, फिर इनके सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, फिर आपको सेल्फ असिस्टमेंट देखने को मिलता है आपके प्रैक्टिस के लिए, फिर उसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। और यही पैटर्न पूरे क्वेश्चन बैंक में यूज किया गया है, तो काफी शानदार क्वेश्चन बैंक है। अगर रेटेड पर मैं इसको रेटिंग दूं तो मैं इसको 5 में से 4.5 की रेटिंग दूंगा। 0.5 की रेटिंग कम इसलिए की है क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़े कम कर दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन में कवर नहीं किए गए हैं। अगर सारे क्वेश्चन कवर करते हैं तो शायद इसकी मोटाई इतनी कम ना होती, तो कुछ क्वेश्चन अवॉइड भी किए गए हैं, मे भी वो सिलेबस से अवॉइड कर देगा, लेकिन ओवरऑल 4.5 रेटिंग के हकदार एक क्वेश्चन बैंक है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए कराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।